सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं उमेश और आप देख रहे हो मेजो चिक व्लॉग्स। सो गाइस, आज है तुम्हारी 4 जून 2022 और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7। तो फिलहाल तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और वो हो भी चुकी है। और अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर सेंटर में। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, 7 बज चुके हैं और फिलहाल मैं लेट सा हो गया। थोड़ा सा फटाफट चलते हैं और वहीं पर जाके आपसे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा मतलब धूप भी ठीक ठाक ही है और मैं नहा धो के खाना वगैरह खा चुका हूँ। खाना वगैरह खाने में थोड़ा टाइम लग गया था, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फटाफट चलते हैं, देखते कोई मिल गया था। तो गाइस फिलहाल सेंटर के बाहर तो पहुंच चुके हैं, आप देखते हैं आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कैसा रहेगा फिर दिन। चलिए गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपना सेंटर पे और आशीष जो है, आशीष भी लगा हुआ हमें, मेरे को भी पता चला। चलो एक साथी मिल गया मेरे को यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब चलते हैं फटाफट घर की ओर, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। गाइस फिलहाल 8:50 में हमारी छुट्टी हुई थी वहाँ से और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, सिर में यहाँ से पूरी धूप लग रही है और सिर में ऐसा दर्द होने लग गया यहीं पर। तो अब कल से एक कैब लेनी पड़ेगी फटाफट, और अभी तो फिलहाल रुमाल से काम चलाता हूँ और चलते हैं फटाफट घर पे, वहीं जाके मिलेंगे। सो गाइस फिलहाल बच चुके हैं शाम के पूरे पूरे 7 और हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। तो दिन में तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा धूप होती है, अबे चुप हो जा, दिन में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो जिस कारण हम व्लॉग बना नहीं पाते। आज तो पूरे जैसे मैं घर पर आया था 9 बजे पहुँच गया था, 8:50 में वहाँ से छुट्टी हुई थी तो 9 बजे पहुँच गया था मैं। भले कोई मिला नहीं था, एकदम तेज़ तेज़ भाग के आया था, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, गाल पर थप्पड़ लगते लगते मतलब धूप से। और आया मैं आके जैसे बैठा, योगेश का तो आज सुपर 100 का पेपर था, वो देने गया था। अभी पूछेंगे उससे कि कैसा गया उसका पेपर, फिलहाल तो कैमरा पकड़ा हुआ है उसने बेफालतू में, तो बढ़िया गया, बाद में पूछने की जरूरत नहीं। बढ़िया गया, ठीक गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर, कितने बच्चे गए थे हमारे स्कूल से? 4। 4 बच्चे गए थे, चलो वो तो छोड़ो। तो फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस भी आज ठीक ठाक ही रहा। मैंने सोचा था मेरे को पुराना भी थोड़ा बहुत भी नहीं याद होगा, पर थोड़ा बहुत याद था और टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक थी मेरी। तो अभी एक दो दिन लगाऊंगा पुराना जो मेरा बेसिक था उसे रिकॉल करने में, उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है वो देखेंगे क्या होने वाला है उसमें। तो फिलहाल तो आज लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, सारा दिन लाइट चली गई थी और फिर चार्ज वगैरह भी नहीं था, तो देखेंगे फिर अभी क्या होता है। फिलहाल तो चले गए, चलते हैं। पेश है आपके सामने इस ज़माने की सबसे ख़तरनाक ड्राइवर, शिवा 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 चित्रोले शिवा। अबे ये इसका नया स्टाइल है। और आप देख सकते हैं कल की तरह रेड क्रॉस ना ग्रीन क्रॉस और अकेला बंदा कहाँ पे चला सकता है, कार साइकिल चला सकता है, क्रेट में भी पानी में भी। हाँ, और कहाँ पे? और वायुमंडल में और अग्नि में। हाँ, और हवा में। और किचन में। और सड़क पे? सड़क पे नहीं चलानी आती ना, सड़क पे ठोकता हूँ। पक्का पक्का भाई शक्तिमान शिवा बनेगा तू, आज से तेरा नाम शक्तिमान शिवा, चित्रोले शक्तिमान शिवा। सो गाइस अपनी जान को जोखिम में डाल के आप देख सकते हैं, यही है वो शख्स, यही है वो शख्स जो दूसरों को खेतों से बैंगन चुराता है। अगर आपके खेत अपने खेतों से अगर बैंगन चुराने हो किसी को तो इसे बुलाए, यही है वो शख्स जो दूसरों के खेतों से बैंगन चुराता है। पता नहीं किसके खेत, तेरे खेत है? ओ आई सी, मुझे नहीं पता था, सॉरी 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 गाइस। गौर से देखिए शख्स को कैसे ये बैंगन चुराता है, इनको गोल गोल घुमा के और फिर इकट्ठे करता है, बेचारों की जान निकाल रहा है इन बैंगनों की। वो भी जिसका घर है उसके घर के सामने से चुरा रहा है, वो ये दिखाई ना दे इसलिए इसने कपड़े भी नहीं पहने के, नंगा नंगा जो रहे हैं। मतलब कल से भंडारा है और कल संडे भी है, छुट्टी है सेंटर से भी, वहाँ पे सिर्फ एक दिन की संडे की छुट्टी होती है, बाकी फेस्टिवल वगैरह की तो होती होती है। तो फिर फिलहाल कल जाना है सुबह 7 बजे, वहाँ पे पहले हवन है और फिर भंडारा है जो हर्षल और उनकी कॉलोनी के सामने हो रहा है, चलेंगे फिर कल सुबह, तब तक मौजे मारते हैं। सो गाइस वी जस्ट रिसीव इनविटेशन और मैं अपनी तरफ से आपको सबको इनवाइट कर रहा हूँ कि भंडारे में सारा कुछ ओपन है, जो मर जा सकता है आराम से खा सकता है, आप भी आना। वैसे जो ज़्यादा दूर है वो तो नहीं आ सकते, जो पास पास है वो तो जरूर आना। सो गाइस फिलहाल बज चुके शाम के पूरे पूरे 8:30 और हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर। तो जोत बत्ती करने के बाद अब मैं आराम से बैठा हूँ, तो अभी थोड़ी देर में एडिट करूँगा। कल सुबह जैसे आप लोगों को पता है संडे भी है और हमें जाना है भंडारे में, सुबह तो पूजा है 7 बजे, तो हमें 7 बजे जाना है, तो चलेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। आई होप कि आप पास का लोग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।